प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के निकाय प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के मेयर, सभापति और चेयरमैन के साथ चर्चा की और फीडबैक लिया। चार संभागों के फीडबैक कार्यक्रम के बाद पीसीसी कार्यालय में जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के निकाय प्रतिनिधियों का फीडबैक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी मेयर, चेयरमैन और सभापति शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि संगठन की मजबूती के साथ सरकार की योजना को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही निकायों की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया और सुझाव भी आमंत्रित किए गए, ताकि जनता को बेहतर शासन देने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। डोटासरा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने गाँव की तर्ज पर शहर में भी रोजगार देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से इन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले, इसके लिए फीडबैक लिया गया है। केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों को भी इस तरह से उजागर किया जा सकता है और इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। जो जनप्रतिनिधि, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने थे, उनके साथ में हमने पहले एक फेज के अंदर चार संभागों के लोगों से चर्चा की थी, उनसे फीडबैक लिया था कि हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका कैसा असर हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक उनका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमको और क्या करना चाहिए। जो नगर निकाय की के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसका किस प्रकार से अच्छी तरीके से धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं, वो किस तरीके की जो गुड गवर्नेंस है उसमें और क्या बेहतरी के लिए चाहते हैं, वहाँ पर केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, उनको भी हम